हेलो एवरीवन, दिस इज़ द फाइनल बोर्ड पेपर ऑफ क्लास प्लस टू फिजिक्स जी कंडक्ट हुआ था 4 मार्च 2024 को। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास दिया 2.5 जूल पर टेस्ला लाइज अलाइंगड विद द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.32 टेस्ला। एक आपके पास बार मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया है, वो आपके पास अलाइंगड है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और उसके बाद ए पार्ट में क्या पूछा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू टर्न द मैग्नेट सो एज टू अलाइन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। फर्स्ट पार्ट में नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन, सेकेंड पार्ट में अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन, और बी पार्ट में आपके पास टॉर्क फाइंड करना है फर्स्ट और सेकंड केस का। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए रफली डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। बार मैग्नेट का हमारे पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, मैग्नेटिक मूवमेंट का सिंबल एम आपके पास दिया है, एम की वैल्यू 2.5 जूल पर टेस्ला। साथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया है आपके पास 0.32 टेस्ला। तो जो बार मैग्नेट है, सबसे पहले फर्स्ट बार मैग्नेट अलाइंड है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जे मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस तरफ जा रही है, जे वाला बार मैग्नेट, तो जे वाला इसका क्या होगा आपके पास साउथ पोल, जे वाला क्या होगा नॉर्थ पोल। तो इसी के अलोंग आपके पास इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी जाएगा एम। तो इन्होंने पूछा है फर्स्ट पार्ट में हमने अमाउंट, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन लगेगा भी अगर हम उस मैग्नेट को मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के मतलब नॉर्मल कर दें। इन्होंने पूछा है भी मतलब मतलब अमाउंट ऑफ वर्क डन टू टर्न द मैग्नेट सो एज टू अलाइन इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट, जो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट है बार मैग्नेट का नॉर्मल हो जाए फील्ड डायरेक्शन के। तो फर्स्ट पार्ट में हम डायग्राम बना लेते रफली भी, मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा था, तो हमने इस बार मैग्नेट को टर्न कर दिया, मतलब कहाँ पर रखना है नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास क्या हुआ, जी वाला मींस जी ऊपर चला गया, मतलब साउथ इधर नॉर्थ इधर, जो मैग्नेटिक मूवमेंट है इस बार मैग्नेट का आपके पास इस मैग्नेटिक फील्ड की कैसे हो गया 90 डिग्री के ऊपर हो गया। हमने क्या करना है, पहले इस पोजीशन में था, इस पोजीशन पर लेके आने के लिए कितना वर्क डन लगेगा वो हमने फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला आपके पास होता है W इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। तो थीटा वन इनिशियल पोजीशन बोलेंगे, थीटा टू फाइनल पोजीशन बोलेंगे। इनिशियल पोजीशन में दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा वन 0 होगा। तो अब आपके पास दोनों के बीच एंगल कितना गिवन है 90 डिग्री है, तो थीटा टू कितना बनेगा 90 डिग्री। तो एम आपके पास दिया है 2.5, बी आपके पास दिया है 0.32, कॉस आपके पास थीटा टू, थीटा टू कितना बनेगा 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा वन, पहले पोजीशन कौन सी थी 0 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 0.8, कॉस 90 डिग्री 0 होगा, कॉस 0 डिग्री 1 होगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो हमारे पास डब्ल्यू कितना आएगा 0.8 जूल। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट बन गया। तो सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, कहते अगर आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट बार मैग्नेट का अलाइंग हो अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन। तो सेकंड पार्ट में हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं भी, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो जो आपके पास बार मैग्नेट है वो मतलब पहले जे पोजीशन थी उल्टा कर देंगे, तो आपके पास क्या होगा साउथ इधर आ जाएगा नॉर्थ इधर चला जाएगा। भी अगर हम इसको 180 डिग्री एंगल के ऊपर अलाइंग वगैरह करेंगे, तो आपके पास इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक जो मूवमेंट होगा वो कैसे होगा, अपोजिट होगा टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एम आपके पास इस तरफ लगेगा, तो इस पोजीशन पर लेके आने के लिए कितना वर्क डन लगेगा, जहाँ पर आपके पास कितना इसको रोटेट करना पड़ेगा 180 डिग्री। तो जहाँ पर डब्ल्यू फाइंड करना है, डब्ल्यू का फॉर्मूला कितना, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एम बी पहले वाला कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। एम कितना दी है आपके पास,
एम आपके पास है 2.5, बी आपके पास 0.32। अब कॉस हमारे पास थीटा 2 कितना आएगा, 180 डिग्री। और पहले फर्स्ट वाली पोजीशन जे थी तो कितना आएगा कॉस 0 डिग्री। तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा 0.8 कॉस 180 डिग्री होता है -1 कॉस 0 डिग्री 1, तो माइनस माइनस प्लस -2 आएगा, तो -0.8 मल्टीप्लाई -2। सॉल्व करेंगे कितना आएगा माइनस माइनस प्लस 1.6, तो हमारे पास सेकंड केस में जो वर्क डन लगेगा इतना लगेगा। तो हमने ए पार्ट सॉल्व कर ली, उसके बाद इन्होंने बी पार्ट पूछा है, कहते हैं व्हाट इज़ द टॉर्क ऑन द मैग्नेट। तो टॉर्क कितना लगेगा फर्स्ट केस में और उसके बाद सेकंड केस में। तो इसी का आपके पास बी का फर्स्ट पार्ट था, मतलब है बी आपके पास जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, एम बी साइन थीटा। एम आपके पास 2.5, बी आपके पास 0.32। तो फर्स्ट पार्ट में जो आपके पास थीटा होगा वो कितना आएगा आपके पास 90 डिग्री। तो जहाँ पर पुट करेंगे साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री 1। तो सॉल्व वगैरह करेंगे कितना आएगा 0.8, साथ यूनिट बनेगा न्यूटन मीटर। जी फर्स्ट केस का टॉर्क फाइंड हो गया, सेकंड केस का टॉर्क फाइंड करेंगे, फॉर्मूला सेम होगा एम बी साइन थीटा। तो एम 2.5 और बी 0.32 एंड साइन। अब साइन कितना, हम एंगल कितना पुट करेंगे जहाँ पर 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री 0 होगा, 0 मल्टीप्लाई समथिंग कितना आएगा 0। तो इन दिस वे के अकॉर्डिंग हम इजीली ए पार्ट एंड बी पार्ट का जो आंसर है ना निकाल सकते हैं। थैंक यू।